अगर ऑफिसर को ये आइटम लगता है कि इतनी वैल्यू की है, अगर वहाँ करते हैं तो जाहिर सी बात हम तो कराएंगे भाई। बोले ठीक है, हम कर देंगे। अगर उनको जहाँ डाउट हो गया, यहाँ हम क्लियरेंस कराएंगे, अगले दिन वो इंसेंटिव सारा स्टॉप कर देंगे। तो जब सी एच ए करेगा तभी होना चाहिए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर पहले ले लेगा अपना सिस्टम, उसमें पहले 20% 30% वो ले लेगा। सीएचए जो है शिपमेंट का क्या आज की डेट में यार मार्केट में बहुत कंपटीशन है, सारे जान वो डिपेंड करता है, कुछ एजेंसी होती है। 400 किलो माल जाना है मेरे, 400 किलो माल एजेंसी अब वही लगाएंगे 2500 रुपये, 2500 ढाई तीन चार 5000 अपनी एजेंसी रिसिप्टेड सेपरेट, जो रिसिप्टेड मिलेगी आपको, जैसे कौन कौन का चार्ज होगा, ये होगा वो, लेबर का चार्जेज होता है वो अलग, हमारी जो एजेंसी होगी ढाई भी होती है कि तीन भी होती है, अलग अलग उसका चार्ज। तुम्हें अभी कितना भेजना माल वैसे आइडिया? देखिए सर, अगर रॉ मटेरियल जाएगा तो वो तो 1000 किलो में लग जाएगा, और अगर फिनिश्ड ज्वेलरी जाएगी तो कट्टे में भी चली जाएगी 100 पीस या 2000 पीस देते हैं। वैसे एक जनरली बात बता, तू फिनिश कट्टे की बात कर रहा है, नॉर्मली अगर तेरे को कोई ऑर्डर मिलता तो कितने का दे सकता है? पूरा कंटेनर दे सकता है? नहीं दे सकता, अभी इतना है ही नहीं कि पूरा कंटेनर। जितना ऑर्डर आपके पास होगा उतना ही तो आप दोगे? ऑर्डर मिल भी जाए मैं तब भी नहीं दे पाऊंगा, मेरे आप दोगे नहीं ठीक है। नहीं फाइनेंशियल की भी कंडीशन होती है, आप उससे एडवांस ले सकते हो कि मुझे एडवांस दो मैं आपका ऑर्डर। वो सब एलसी पे ही होता है? नहीं नहीं जरूरी नहीं, एलसी पे होता है, पीटी पे भी होता है। पीटी पे वो तो खेत मतलब फिर कुछ खेत भी होता है लेने के लिए। देखो एलसी पे क्या होता है, एलसी में बैंक में वो हो जाता है, बाउंड हो जाता है, बाउंड हो जाता है। अगर वो पेमेंट नहीं देगा तो आप ये बैंक से ले, लेकिन एलसी खुलवाने में भी बड़ी नहीं, आजकल चक्कर क्या है ना, बैंक वाले तो बोल देते हैं आ जाओ, सामने वाला बायर जो है ना वो थोड़ा एलसी में वो हो रहा है छोटे माल के लिए। छोटे माल के लिए, छोटे माल के लिए क्या करता है भाई? भाई छोटे माल के लिए आप टीटी उसको बोलो ना, टीटी दे दे छोटे माल के लिए। उसका रीजन है देख यार, हमें ये भी कैलकुलेट करने चाहिए। इंपोर्ट में हमारे मटेरियल आता है 5000 किलो तक आता है। क्या आइटम होता है? हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट में जो रॉ मटेरियल वगैरह लगता है ना वो है। अच्छा, चाइना से आ रहा है 4000 किलो भी आ रहा है, तो उसका क्या हिसाब है? जैसे अब तो ज़्यादा माल हो गया, अब तो लूज होता है माल, इनका भी होगा इनका भी होगा इनका भी होगा। 40 में तो मेरे ख्याल से कितना टन आ जाएगा? लगभग 3200-800 के आसपास आ जाएगा। अलग अलग वो होता है, 40 में आप मंगाओगे तो आपका सिंगल वगैरह, मेरा तो 40 है तो सिंगल सिर्फ आपका ही माल होगा। अच्छा, 20 में क्या होता है ना, सॉरी 40 में भी लूज आता है, 20 में करा मैं तो फुल 20 मंगाऊंगा तो सिंगल आपका ही, उस पर चार्ज बढ़ जाएगा। तो 20 भी तो शेयर कर सकते होंगे औरों के साथ? हाँ क्यों नहीं करेंगे, आपका होगा इनका होगा मेरा होगा, चार आदमी का माल है वो सी एच डिपार्टमेंट का काम है, वो अपना आप किसका नहीं 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 वो आपका मान लिया आपके 4 डब्बे आने हैं, आपने शिपिंग लाइन को बुक कर दिया, वो शिपिंग लाइन का काम है, वो कैसे लेंगे उनका काम है, वो कहाँ पे किसको डालना है कहाँ, लेकिन आपके डेस्टिनेशन जो होगी वहाँ पहुँचेगा, वहाँ पे दुबई में। अच्छा, जैसे इम्पोर्ट कराने के बाद सीएचए जो हमें बताएगा हमारे वेयर हाउस तक का बताएगा, वेयर हाउस तक का आप बोलोगे कि डोर टू डोर, तो उसका चार्जेज होंगे, वो तो हमारी कंडीशन होगी ना, वो तो हमारी कंडीशन, हमें बिल्कुल घर पे उतार के देगा। बिजनेस की बायर सेलर की जो टर्म होगी, बायर कहेगा मेरे घर तक पहुँचा के, घर तक पहुँचेगा, घर तक पहुँचेगा। हेलो, ये और बोलो सर, प्लेन में नहीं, वो क्रेन चल रही होगी ना एयरपोर्ट की, वहाँ है दूसरी। अबे ये उसकी प्लेन की आवाज़ नहीं, क्रेन की देखा हुआ है यार, मुझे या तो यहाँ पे नहीं सर, पहली बार है। और बताओ कुछ पूछना पूछो। लेकिन भैया आप सकता ही बहुत हद के टाइम में, जो भी माल मंगाओ ईमानदारी से काम करो। देखो हम सी एच ए हम भी करते हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत वैसे भी हो जाएगा, सब करते हैं। मैं पहली क्लास में इनको यही बताता हूँ, जब शुरू करता हूँ ना मैं यही बताऊँ, मैं कहा देख भाई यही मैंने बताया, मैंने कहा देख भाई टर्की जा, थाईलैंड घूम, तिहाड़ घूमने की जगह नहीं है बस।
हाँ।